कागज की कश्ती थी, नदी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहाँ आ गए समझदारी के दलदल में, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था। जब हम बच्चे थे तो हमें ऐसा लगता था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमें आज़ादी मिलेगी और भी बहुत कुछ मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी। लेकिन यार जैसे ही बड़े हुए ना तो ऐसा महसूस हो रहा है कि असली आज़ादी तो हमने खो दी जो कि बचपन में थी। उस समय ना किसी बात की टेंशन थी, ना ही किसी के सामने इम्प्रेशन बनाने का डर था, सिर्फ खुशियाँ ही थी। हमें जो मन करता था वो हम करते थे, खेलने का मन करता था तो खेलते थे, पढ़ने का तो पढ़ते थे, नाचते थे, गाते थे। पर आज यार वो सब हम नहीं कर पाते। जानते हो क्यों? क्योंकि आज हमारे मन में एक डर सी बैठ गई है कि सामने वाले को वो कैसा लगेगा, यार मैं ये काम कर रहा हूँ लोग क्या बोलेंगे। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हम इसकी चिंता करते ही नहीं थे, हम सिर्फ वो काम कर देते थे जो हमें अच्छी लग रही है, जो हमें पसंद होती है और सबसे बड़ी बात जिससे हमें खुशी मिलती थी। अभी अचानक बैठे बैठे मेरे दिल में एक ख्याल आया, वो कुछ यादें हैं जो अब धुंधली हो चुकी है। हाँ, वो मेरी स्कूल की यादें, जिस समय टेंशन फ्री में रहता था, खेलता था, मस्ती करता था और ख़ास करके वो चीज़ें जो मुझे पसंद थी। उस समय स्कूल में हमेशा जाता था, किस लिए? पढ़ने जाता था, या फिर उससे ज़्यादा बोलो तो फुटबॉल खेलने और क्रश के लिए। पर यार आज तो ये सब कुछ है ही नहीं। आज हम कहाँ एक रूम में बैठकर कोई नौकरी की तैयारी कर रहा है तो कोई जेई मेंस या फिर कोई नीट की। वो पहली वाली खुशी जैसी गायब सी हो गई है। स्कूल टाइम में हम कितने मस्त रहा करते थे यार। उस समय दोस्त थे, क्रश थी, स्कूल था और सबसे बड़ी चीज़ हमारी खुशियाँ थी जो कि हर काम करने में आती थी। ना ही कोई प्रेशर था और ना ही इसका डर कि सामने वाले मुझे देखकर क्या बोलेंगे या फिर मैं ये काम को करूं या ना करूं, लोग यार क्या सोचेंगे। जब मैं बचपन को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यार असली आज़ादी तो वही थी। कैसे मैं स्कूल से आधे घंटे पहले स्कूल जाता था सिर्फ इसलिए कि अपने क्रश के साथ बातें कर सकूं और उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। और कैसे मैं कोचिंग भी आधे घंटा पहले जाता था ताकि हम दोनों बैठकर एक साथ बातें कर सके, वो पल जी सके जिससे हमें सच में खुशी मिलती है। हमारे वो कुछ दोस्त थे जो हमेशा फुटबॉल लेकर फुटबॉल खेलने के लिए रेडी रहते थे या फिर क्रिकेट खेलने के लिए रेडी रहते थे, और वो खेल में इतनी खुशी थी जो आज यार दिखाई नहीं देती है। क्लास था जिसमें हम पढ़ते थे, बकचोदियाँ करते थे, बहुत सारी चीज़ें जिससे हमें सच में खुशी मिलती थी। पर आज तो ठीक इसके विपरीत गंगा बह रही है। हम आज हंसते भी हैं तो सिर्फ दूसरे को दिखाने के लिए। अजीब सी जिंदगी हो गई है।